प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें अपने घर में, बच्चों को जरूर बना कर दें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। साथ में हमें इसमें ना कोई मसाले यूज करना है, ना बहुत ज़्यादा तेल यूज करना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने दो तरह की दाल को अच्छे से धुल लिया है। आधा कप मसूर का दाल लिया था मैंने, आधा कप तूर की दाल, इनको अच्छे से धुल लिया है। और इसको अब कुकर में डाल के मैं सीटी लगा लूँगी। तो इसको यहाँ पे धुल के मैंने डाल दिया। और फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप बच्चों को बना के देंगे दाल, वो तो कभी भी खाने से मना नहीं करेंगे। तो आज मैं तोरी की दाल बनाने वाली हूँ, तो उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर के रख लिए हैं, साथ में मैंने तोरी को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया। अच्छे से इसको वॉश कर लिया था छीलने के बाद, और नन्हे नन्हे टुकड़ों में काट के रख लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे मिर्च काटी है, ये चार हरी मिर्च है। और ये ऊपर वाले झाग फेंक देना चाहिए, दाल में जब उबाल आता है ना, ऊपर वाले झाग को जरूर फेंकना चाहिए, इससे हमारे यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। एक छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, साथ में कटे हुए टमाटर। और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई तुरई। इस तरीके से आप बच्चों को जब भी बना के खाने देंगे, वो बहुत ही चाव से खाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दिया है तुरई को डालने के बाद, और इसको एक सीटी हाई फ्लेम पे और एक सीटी बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे तरीके से पका लिया है, देखिए सीटी आ चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से तोरी पक चुकी है, साथ में दाल भी पक चुकी है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अलग से तड़का दे सकते हैं, उसमें और टमाटर मसाले प्याज वगैरह भून के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसको बिल्कुल ही सिंपल रखूँगी। और इस तरह की जो घोटनी आती है दाल घोटने वाला, हल्के हल्के हाथों से इसको एक दो बार इस तरीके से मैश कर दूँगी। ये देखिए, और बहुत ही अच्छी दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी दाल है, और इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक करछी चढ़ा दी है, करछी में डाला है तेल, सरसों का तेल। और तड़के में मैंने लिया है राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च, इन सभी को अच्छे से चटकने देंगे तेल में। और राई जरूर डालें, राई से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा हमारे दाल में। तो यहाँ पे डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हींग। अब हम यहाँ पे ये अच्छे से पक चुके हैं, तो कुकर रख दिया है, और अब इस तड़के को हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इस तरीके से तड़के लगा के ज़रूर बनाइएगा दाल को, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी आपकी दाल, और बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। ये देखिए, आप रोटी हो चावल हो किसी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।